गाड़ी फिर से पटरी पर लौट रही है। ट्रेन मजदूरों प्रवासियों को घर पहुंचा रही हैं। ट्रक माल ईंधन की ढुलाई कर रहे हैं। शहरों में भी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई जारी है। साफ सफाई से लेकर मरम्मत करने वाले भी अब लौटने लगे हैं और ग्रामीण जीवन तो जैसे थमा ही नहीं था। फसलों की कटाई अब अंतिम चरण में है। कोरोना ने जैसे सब कुछ थाम कर रख दिया था। नदियों के तट सूने हो गए, सड़कें सूनी, दरिया शांत। जहां भारी चहल रहती थी वो भी वीरान हो गए। शाम को जहां जश्न मनाए जाते थे, लोग इकट्ठा होते थे, वो सूने पड़ गए। संसद भी शांत हो गई और सत्ता प्रतिष्ठान एकदम जैसे सूने सूने। लॉकडाउन में बस आपूर्ति के लिए मालवाहक सड़कों पर दौड़ते रहे या जिन्हें इमरजेंसी थी, और सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी जो हजारों मील पैदल चलने को मजबूर हो गए। बाद में सरकार को विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लेना पड़ा ताकि वो घर भेजे जा सके। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भारत ने हौसला नहीं खोया। डॉक्टर, नर्स, सुरक्षा बल, मीडिया के लोग अपना काम बदस्तूर करते रहे। सरकार भी, प्रशासन शासन भी, कोविड-19 ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। गरीबों के खाने की चिंता सरकारों ने की पर वो नाकाफी सिद्ध हुई। इससे मानवता की सेवा तो हुई पर कोरोना भी फैलता गया। पर परिंदे उम्मीदें जगाते रहे, उन्मुक्त होकर उड़ान भरकर। उनके खाने की कमी नहीं आई। भारत की शान, संबल, अर्थव्यवस्था का आधार गांव ऊपरी तौर पर भले सुने सुने दिखाई दिए हों पर ऐसा था नहीं। वहां जीवन दिखाई देता रहा। अन्नदाता मातृशक्ति लगी रही। खेत खलियान वहां तो हलचल जारी रही। और सच कहूं तो इसी मातृशक्ति ने गांव में भी संबल दिया और शहर में भी कुछ जगहों पर इस तरह के दृश्य दिखाई दिए। सड़कों के किनारे जो छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको गर्मी में पानी पिलाने का काम। और घर भले ही सूने हों, कॉलोनी भले ही सूनी हो, पर प्रकृति
वो तो मुस्कुराती रही। कुदरत ने जैसे लॉकडाउन का और देशबंदी का, उद्योग बंदी का, वाहन बंदी का भरपूर फायदा उठाया खुद की मरम्मत करने के लिए। हरियाली चारों ओर मुस्कुराती हुई नजर आई। सुनसान कॉलोनी, गलियां, घर पर प्रकृति वो जैसे मुस्कुरा रही थी, खुद को संवार रही थी। पार्क सूने हो गए पर पौधों, पेड़ों को जैसे नया जीवन मिल गया। पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी और फूलों की मुस्कान वो तो और गहरी हो गई। जैसे वो देशबंदी खुलने की बाट जोह रहे हों ताकि घरों से निकलने वालों का दिल खोलकर अभिनंदन कर सकें, उनके सुरक्षित बच जाने पर जश्न मना सकें। सच कहें तो प्रकृति ने ही संदेश दिया है मुस्कुराते रहने का। संकट में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी और अब वो दिन दूर नहीं है जब फिर से बाजार गुलजार होंगे, पार्क हर उम्र के सेहत फिक्रमंदों को पलके बिछाकर स्वागत करेंगे और कुछ कुछ तो शहर पर निकलने भी लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। कुछ खिलखिलाहटें पार्कों में सुनाई पड़ने लगी हैं। यकीन करिए ये बाजी हम जल्दी जीतेंगे।